friends, today I teach you science standard second chapter first. Okay, so today is revised remaining chapter. So first we read in last class all trees, types of trees. So shrubs tha trees mein aur types of plant mein tha trees, shrubs, herbs, climber. Okay, and now read it again. So creepers, अभी हम लोगों ने क्लाइंबर्स पढ़ा था, अब क्रीपर्स. अच्छा, क्रीपर्स वो प्लांट होते हैं जो जमीन में ऐसे फैलते हैं. सो क्रीपर्स आर वीक प्लांट विथ ए लॉन्ग थिन स्टेम. जो क्रीपर्स होते हैं ये बहुत ही लंबे और पतले इनके तने होते हैं, और ये बहुत ही लंबे होते हैं, और इनका जो फ्रूट आता है इसमें बहुत ही हैवी होता है. सो ये किस में? ज़मीन में फैलते हैं. सो दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये ज़मीन में फैलते हैं, जैसे कि पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्कमेलन, पम्पकिन कद्दू, वाटरमेलन तरबूज, मस्कमेलन खरबूजा ईटीसी. ये एग्जाम्पल है क्रीपर्स के. ओके, लुक एट दिस पिक्चर. ओके, नेक्स्ट है लाइफ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का जीवन. सो ऑल प्लांट्स डू नॉट लाइव फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम. बहुत से सभी पौधे बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं. दे मे लाइव फॉर ए फ्यू मंथ्स, कुछ पौधे होते हैं जो फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक चलते हैं. मैनी ईयर्स और हंड्रेड ऑफ ईयर्स, कुछ पौधे होते हैं जो कई सालों तक चलते हैं, और कुछ होते हैं जो सौ साल तक चलते हैं, हंड्रेड ईयर्स तक चलते हैं. सम प्लांट्स लाइक पम्पकिन, टोमेटोज एंड लेडीज फिंगर लाइव ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स. अच्छा, ये जो पम्पकिन है और टोमेटो, लेडी फिंगर हैं, इनके जो पौधे होते हैं वो कुछ महीनों के लिए होते हैं. मोस्ट ऑफ द ट्रीज एंड श्रब्स लाइव फॉर मैनी ईयर्स, कुछ ट्रीज होते हैं और कुछ श्रब्स होती हैं जो बहुत सालों तक जीवित रहती हैं. बट ट्रीज सच एज बनियान एंड पीपल कैन लाइव फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स. आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, और जो बरगद का पेड़ होता है, बनियान ट्री बोलते हैं उसको, वो काफ़ी सालों तक, मतलब हंड्रेड ईयर्स तक चलता है. नेक्स्ट है यहाँ पर क्रॉस द ऑड बन आउट, यहाँ जो एक डिफरेंट होगा उस पर आपको क्रॉस का टिक करना है, वो दिखना है. सो नीम, ये तो नीम ट्री है, एंड पी, मनी प्लांट, बीन, ये सभी कैसे हैं? क्लाइंबर हैं, क्योंकि ये अपने से खड़े नहीं हो पाते, इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है. सो नीम यहाँ पर अलग है, और ये तीन एक जैसे हैं, तो नीम पर टिक करेंगे. सेकेंड है बनियान, क्रॉस का टिक करेंगे. ठीक है, बनियान ट्री, वाटर लिली, कोकोनट, मैंगो, और ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो वाटर लिली है, ये वाटर लिली तो वाटर में ही होती है ना, तो ये अलग होगी, तो आप इस पर टिक करेंगे क्रॉस का, और इन सभी को. नेक्स्ट है, आगे है पार्ट्स ऑफ प्लांट. कोई भी पौधा हो तो उसमें उसके पार्ट्स होते हैं. सो ए प्लांट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट होते हैं. दे हैव डिफरेंट फंक्शन फॉर द प्लांट, और उन सभी पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शन होते हैं. एज लाइक वी, अवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स एंड डिफरेंट वर्क फंक्शन. सो जस्ट लाइक एज मैटर, प्लांट्स हैज़ मैनी पार्ट्स एंड डिफरेंट फंक्शंस फॉर द प्लांट. और प्लांट के बहुत से पार्ट होते हैं अलग अलग, और उनके डिफरेंट फंक्शन भी होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है फ्रूट्स. तो फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम द फ्लावर्स, दे हैव सीड्स इनसाइड देम. फ्रूट जो होते हैं, वो फ्रूट कहाँ से आते हैं? वो फ्लावर्स से बनते हैं. सो और जो फ्रूट के अंदर होते हैं वो उसमें बीज होते हैं, द फ्रूट के अंदर बीज होते हैं. और फिर है फ्लावर्स, फ्लावर्स चेंज इंटू फ्रूट्स. फ्लावर जो है वो फ्रूट में चेंज होता है. लीव्स क्या? मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर, और जो पत्तियाँ होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं. दे मेक फूड फॉर प्लांट्स, और वो पौधे के लिए भोजन बनाती हैं. और फिर है स्टेम, द स्टेम इज़ द मैन पार्ट ऑफ द प्लांट. स्टेम का पर देखो, स्टेम जो है वो पौधे का मैन पार्ट है. इट कैरीज वाटर एंड फूड ऑल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. इनका जड़ों, जो जो तने होता है, इसका काम क्या होता है? ये पौधे का जो पौधे के सभी भाग में पानी और भोजन को ट्रांसफ़र करती हैं, पहुंचाती हैं. ओके, फिर है रूट्स. रूट्स ग्रो अंडर द सॉयल एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट. रूट जो हैं, जड़ें, वो ज़मीन के अंदर होती हैं, जो पौधे को सपोर्ट, खड़े रहने के लिए सपोर्ट देती हैं. दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल, और वो मिट्टी से पानी और खनिज को एब्जॉर्ब करती हैं, मतलब ग्रहण करती हैं. ओके, सो दिस इज द पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड हैव फंक्शंस. ये पार्ट्स के प्लांट थे, नहीं
प्लांट्स के पार्ट थे और उनके फंक्शन था, कार्य था. ओके, सो होमवर्क में है आपका टुडेज वर्क रिवीजन, आज का जो वर्क है उसको रिवाइज करना है. एंड सो थैंक यू.